बैठ जाओ। السلام خوش آمدید امر، خوش آمدید. سلام ہو خاندان امیہ کے ہرے بھرے چمن پر. آبا یزی، شداد کی جنت سے کم نہیں ہے. دیواروں کے کان نہ ہو تو جرات کروں کہ تم نمرود سے کم نہیں ہو. اگر تم انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرو تو سب سے پہلے سجدہ میں کروں گا. फिलहाल मैं एक माजूल अमीर के अलावा कुछ नहीं हूं अमर. जब तक अली की जुल्फ़खार शाम ना आ जाए मैं अमीरी कर सकता हूं. उसके बाद क्या करोगे? हुकूमत से पहले तिजारत करते थे. तो बुलबुले एजाज ले जाओगे या फौलाद? बुलबुले क्यों, फौलाद लेके जाएंगे. समझ गया तुम्हारा मकसद, समझ गया. सच में तुम्हारी माँ हिंदा नाबेगा थी. तुम भी नाबेगा के फर्जंद हो. तुम्हारा भाई हूं. अब रहने दो. कासिद अली की कोई खबर है? आया नहीं आया? आया था. जरेर नाम का था, अमीर शाम भी आया था लेकिन शामियों ने उसे शाम के दरवाजे ही से भगा दिया. मुझे पता था यह शख्स कभी मुआमला नहीं करेगा. हमारे दोस्त के खून भरे कुर्ते का क्या हुआ? वो अपनी जगह एक काबा है. शामी बड़ी तड़प के साथ अपनी तलवारों को तेज कर रहे हैं. चार काबा है और खलीफा भी चार. एक खलीफा सुरखूंट पर सवार, दूसरा खून भरा कुर्ता उठाए घर में पैकार, तीसरे के हाथों में दोदम जुल्फिकार, और चौथा काबा संगो खाक की बस बनी एक दीवार. अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील. तुम अब्रहा और अबाबील के किस्से पर यकीन रखते हो? खत्म रसूल के मौजज़े पर एतराज न करो अमर. इस मुकद्दस नमा आवाम के सामने हमारी हकीकत खुल जाएगी. हैं मेरी दस्तार को मत छुओ, अकल है मेरी इसमें. ठहरो. सबसे मजबूत किला वही है जिसकी ऊंचाई पर खून भरा कुर्ता लहरा रहा हो. जुल्फ़िकार अली को मामूली मत समझो अमर. फतेह खैबर भी याद रखो. हमारे पास ऐसा कौन सा जादू है जिससे जुल्फ़िकार का तोड़
जहालत जुल्फिकार भी क्या कर लेगी, देख लिया कि लोगों की जहालत ने बरसहा बरस जुल्फिकार को अली की गरीब खाने की दीवार पर लटका दिया और हाथ में बेलचा थमा दिया। ये काली गलोटी कहीं मेरी बात तो नहीं समझती? खुल के बात करो अम्र, इस महल की दीवारों से कोई चीज पार नहीं होती। जाओ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सबसे बड़ी मुखालिफ थी खलीफा की, आज उसी खलीफा के खुखाही के लिए इन्हीं जाहिलों से एक लश्कर तैयार कर लिया। देख रहे हो आबा याजी, ये अवाम सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह हैं। नहीं मानते तो शर्त लगा लो। बताओ किस पर शर्त लगाओगे? हुकूमत फिलिस्तीन। लगाओ शर्त। बनी मछली बड़ी लजीज गजा है। मिंबर पे जाके जितनी आयात और अहादीस मजलूम की हिमायत और उसके इंतकाम के बारे में याद हो, लोगों को बार बार सुनाओ। थोड़ा चेहरे पे गम तारी करो, कम खाया करो, दाढ़ी को कंघी भी ना करो और सोना भी कम कर दो ताकि आंखें वरम कर जाएं। तुम जानते हो मैं अपने पेट पर जुल्म नहीं करता। अबा यजीद, खलीफा बनना आसान थोड़ी है। पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम्हारे मेदे की जगह चक्की का पत्थर भी होता तो जवाब दे चुका होता। बताओ अली का क्या करोगे? मैंने सऊद अबी वक्कास से पूछा कि कातिलीन खलीफा कौन है। कहने लगे, तलवार आयशा ने खींची, तलहा और जुबैर ने उस पे सैकल किया, अली ने उस पे जहर लगाया। कलम उठाओ और लिखो, अजमावियत इब्ने अबी सुफियान अली इब्ने अबी तालिब के नाम। और क्या लिखूं? और क्या लिखोगे? अभी वक्काश वाली बात लिख दो। मुआविया की जानिब से अली को पैगाम। मुआविया यानि शाम, अली यानि मदीना। दूसरे मानों में इसका मतलब यह हुआ उमैया से हाशम की जानिब। ज्यादा लंबी इबारत की जरूरत नहीं थी, दो मुख्तसर लफ्जों में एक दीवान के बराबर लिख दिया। चलो बेटा उठाओ उठाओ। Thank you.
बगैर तलवार के क्या कत्लगाह आए हो? नौकर का क्या कसूर? मारने वालों को पहचाना? कैसे पहचानता? वो सब के सब नकाब लगाए हुए थे और मैं रहा मुसाफिर। अगर चेहरे खुले भी होते तो भी मैं न पहचानता। तुम्हें जंग का लुकमा बनाया है बेनवा, तुम पर हमला करके इसलिए जख्मी किया है कि जब तुम अपने आखा के पास जख्मी हालत में जाओ तो वहां कहा जाए कि अली के लोगों ने मुआविया के कासिद के साथ क्या किया है। जाओ उस कोठरी में आराम करो, और जब रात की तारीकी छा जाए तो जंग की आग लगाने वालों से बचकर शाम रवाना हो जाओ। याद रहे, जख्मियों की देखभाल और असीरों का ख्याल रखना यह अली का शेवा है। और माविया से कहना कि अली ने तेरा न लिखा हुआ खत पढ़ लिया है और उसका दंदान शिकन जवाब रवाना करेंगे। या अली, उस्मान के खून भरे कुर्ते ने शाम के बेजानों को भी गिरिया करवा दिया। शाम की औरतें अपने बच्चों को अली के नाम से दशनाम सिखाते हैं और शाम के बूढ़े और जवान उन्हें जिगर से तलवारें बना रहे हैं ताकि आपको कत्ल करें। या अली, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अली से उस्मान का बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह की पनाह उस्मान के खून से। تاریده باد تیرگی تیرگون از تاریک خانه تن، بیدود باد آتش بی خاموشی باد خورشید، تاریده باد تیر... آپ لوگ اندر آکے دروازہ بھیر دیجئے۔ देखा तलहा, ये वो सरदार है जिसने ईरान के अफसानवी दरवाजे अरब के लिए खोले। आज अपना दरवाजा अरब पर बंद कर रहा है। मैं तो इस शोर शराबे से तंग आ गया हूं तलहा। मैं तलहा हूं। आइए, कोई फर्क नहीं इस नफसा नफसी और जुदाई के माहौल में तुम दोनों का साथ रहना खुशी का बायस है। इस इत्तेहाद को बचाकर रखो तलहा। खुशामदीद। क्या चाहिए आप लोगों को? ये क्या पढ़ रहे हो? मुझे मजूसी न समझो, ये अविस्ता है। क्या ये माल गनीमत है? हाँ, ये सब हमारे ईरान पर हमले की यादगार है। ये सारे तोहफे एक बूढ़े आदमी की यादगार है जो यस्त के एक जंगल का रहने वाला था। एक बार उसने मेरी इख्तिदा में नमाज पढ़ी थी और मैं सहर तक उसकी दुआएं सुनता रहा, जो कभी नहीं भूल सकता। मुझसे तवक्को न रखना कि मैं तुमसे हालात पूछूंगा। आज माविया का कासिद मदीने में जंग का झंडा लहरा रहा था, उसे मौत की हद तक मारा पीटा गया। मैं तो अपने घर के रोशनदानों को गारे से बंद कर लूंगा। बताओ तुम दोनों क्या करोगे? मैं मक्का जाऊंगा। अच्छा, तो उम्रे की नीयत से जा रहे होंगे? जी, उम्रे की नीयत से। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने उम्रा सबकी तरफ से अदा कर दिया है। इल्म इंसा की किताबों में एक तीन कोने वाला नक्शा होता है जिसे मुसल्लस कहा जाता है, जिसका पहला कोना आयशा है, दूसरा कोना
माविया है और तीसरे कोने में तुम दोनों हो, तलाओ जुबैर, अब आसानी से अली का रास्ता बंद कर सकते हो। हम साद, हम दोनों तुमसे मशवरा करने के लिए आए। साद, हमारी मदद कीजिए। तुम जैसे नाकाम खुलफा की मैं क्या मदद कर सकता हूं? मेरी अगर सुनो तो अली की बैत पर कायम रहो। बैत पर कायम रहना यानी अनकरीब होने वाले जिहाद में शिरकत करना है, जिसमें अपने अजीजों को कत्ल करना या खुद हलाक होना है। हलवा बनाएंगे हम और खाएंगे दूसरे। तो फिर यहीं रुक जाओ, रुकने के लिए एक नया बहाना बनाओ और अली से कहो कि तुम्हें ऐसी तलवार दें जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों में फर्क रखती हो। अगर अली चाहें तो इस मोमे को हल कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं साथ। तो क्या उनकी जुल्फकार का मुकाबला कर सकते हो? अगर तुम जैसे हमारा साथ दें तो तुम हमारे साथ मक्के चलो साथ। अच्छा, तो तुम एक थके हुए सरदार को वरगलाने आए हो? उम्मुल मोमिनीन को तुमसे उम्मीदें हैं साथ। फिर तुम किस दर्द की दवा हो? मेरे लिए गुज़िश्ता फतुहात काफी है, ताऊस के पद तो तुम्हें चाहिए। जहमत करो और हिंदुस्तान जाकर ले आओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। تاریده با تیرگی تیرگون از تاریک خانه تن، بی دود باد آتش، بی خاموشی باد خورشید، تاریده باد تیره. یه کفر بک رای زبیر. خاموشی باد خورشید، بی دود باد. خیال رکھنا، دروازه کو آهسته بند کرنا، سمجھے؟ اس کی آواز سے مجھے اذیت ہوتی ہے. साथ बिल्कुल बदल गए, दीवाना हो गया है, यकीन नहीं आता। रुखसार अनार की तरह सुर्ख और पैर घोड़े की ताकत लेकर आए हैं। वालिये कूफा ने किस बेवा से अख्त की है? जूते वही हैं। डरता हूं कि मेरी मसरूफियत की वजह से मेरी बीवी मुझे ना छोड़ दे। बेवा औरतों से शादी तो ये तुम बुजुर्गों की रस्म है जो खूब खाते हैं और खूब सोते हैं। मैं तो अपनी अहलो आयाल का मुश्किल से पेट भरता हूं। खुश आमदीद। अमीरी के जूते तंग थे या ढीले, मोमिन कब दरिया का रुख करोगे और इन फटे पुराने जूतों को फेंकोगे? मैं तो इन जूतों से मानूस हूं तलहा, अपनी आदत को तर्क नहीं कर सकता और मोहब्बत को भी कब्र तक साथ ले जाऊंगा। तुम्हारी रियासत कूफा का क्या हाल है? माशूक का हाल तो अपने साथ है, आप अपना हाल बताओ। जब इन सख्त और मजबूत पैरों को डराया जा सकता है, फिर तुम्हारे नरम और चर्बी वाले पैरों का क्या हश्र होगा? अगर कूफा जाने का इरादा रखते हो तो तुम लोहे के जूते पहन कर जाना। ये थी तुम्हारे जूतों की बहस मोमिनों। देख रहे हो तलहा, अली ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर ऐरा गैरा हमारे मुंह आ रहा है। इन लोगों से हमारी आखिरी मुलाकात थी जुबैर। या अली, रुखसत होने आए हैं, उम्रे का इरादा है।
تجدید بیعت کرو. اسما اپنے کاموں میں مصروف تھی، سفر کے لیے غذا اور کپڑے جمع رہی تھی. اچانک میرا دل ٹوٹ پڑا اور میں رونے لگی اور تم نے مجھے آواز دی. اسما اسما، عبداللہ، زبیر ہمارا بیٹا. آہستہ بولو اسما، پڑوسی سن لیں گے تو ہمیشہ کی مصیبت ہو جائے گی. میں نے اپنی ساری زندگی خواب دیکھے ہیں، خواب خواب، بھیانک خواب. زبیر آہستہ. اسما، تم ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو، کتاب و شمشیر کی پروردہ، عام اور دیہاتی عورتوں کی طرح خواب و خیال کی باتیں مت کرو. اس سے پہلے کہ کسی کی بیٹی رہوں میں خود ہوں، اس سے پہلے کہ کسی کی بیوی رہوں میں اسما ہوں. کاش میں فقیر ترین عرب کی بیٹی ہوتی، کاش میرا شوہر ایک فقیر عرب ہوتا، تاکہ آج اپنے جگر کے ٹکڑے کو لے جانے پر مجبور نہ ہوتی اور ناکام خلفاء کی ہوا و ہوس کا شکار ہوتی. ہم مکہ جا رہے ہیں اسما، تاکہ عمرہ ادا کریں، پھر لوٹ آئیں گے. تم تخت و تاج کی تلاش میں ہو، بتاؤ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں جو تم اپنے اور اپنے گھر والوں پر قربان کر رہے ہو. میں پانی سے اپنا پیٹ بھر لوں گی، تم نماز و روزہ و مسجد میں مصروف رہو. چلو عمرے کو چھوڑو، تمہیں اپنی بہن سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں؟ اسما، زوجہ رسول خدا کی مدد نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. جان دے دوں گا لیکن دین خدا کی مدد سے مجھے مت روکو. ام المومنین کی غربت غربت دین محمد ہے. میں عائشہ کو پیٹ نہیں دکھا سکتا اسما. میں تمہاری بیوی ہوں زبیر، جہاں تم رہو گے وہی میری قبر ہوگی. کپڑے رکھ رہی ہوں زبیر، تین کفن ہم تینوں کے لیے. کون ہے اتنی رات میں؟ محمد ہوں. کون محمد؟ آج کل ہر عرب کے گھر میں محمد ہے. ایک ہی تو تیرا مامو محمد ہے. کیا چاہتے ہو محمد؟ کچھ چاہتا نہیں، بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ سیف الاسلام اپنے اسلام کو چھوڑ کے سیف کہاں لیے جا رہا ہے. تمہاری شان کے مطابق نہیں کہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر بوڑھوں کی طرح وفاداری کا درس دیتے پھرے. خالصانہ مشورہ دینے، حجت تمام کرنے اور اپنی بہن اسما سے ملنے آیا تھا، ورنہ تم خوب جانتے ہو کہ محمد و علی کا دین تمہاری تلوار کا محتاج نہیں ہے. محشر میں ملیں گے. Thank you.
लिया, ऊंट को चुरा लिया, मेरे ऊंट को चुरा लिया, मेरा ऊंट चोरी हो गया, मेरे ताज्जुब है तेरे शोर पर। तू मुर्गा है या मुर्गी? आ तुझे अभी जिबा करता हूँ। क्यों रुक गई हो माँ? मक्कतुल मुकर्रमा में सुर्ख बालों वाला अस्कर नामी ऊंट जाहिर हुआ, जिसने अपने सवार के हमरा खलीफा मक्तूल के खून का बदला लेने का परचम उठाया हुआ था। उधर एक जानिब तलहा और दूसरी जानिब आले उमैया, जिनसे उनकी रियासतें छीन ली गई थीं, अपना लूटा हुआ खजाना ऊंटों पर लाद कर मक्के की जानिब रवाना हुए। मुआविया ने इस मार्के की आग को खूब हवा दी और तलहा जुबैर को लिखा कि अगर अली को हटा दो तो तुम्हारी बैयत खुद मैं और मेरे शामी करेंगे। बीबी उम्मे सलमा ने, जो रसूल अकरम की अजवाज में से थीं, बहुत चाहा कि अपनी सौकन आयशा को समझाएं और उन्हें इस इकदाम से बाज रखें, लेकिन कामयाब न हुई। दो मुतजाद गुरोह बुग़्ज़ अली की बुनियाद पर उस ऊँट के गिर्द जमा हो गए और बहुत देर सलाह मशवरे के बाद बसरे की जानिब रवाना हुए, ताकि राख को अपने एतमाद में लें। और इस तरह अस्कर, जो वही ऊँट था जिसे जमल कहते हैं, बसरे की जानिब रवाना हुआ। क्या लगता है मरवान, किसकी दस्तार का सिरा खिलाफत की तहतुल हनक बनेगा? मुझे यकीन है कि आले उमैया से नहीं है। वो जानता है। अब्दुल्ला, पेश नमाज कौन है? अब्दुल्ला फुल इस्लाम जुबैर। मुतमईन हो? हाँ, इसे होना चाहिए। होना चाहिए मोहम्मद। पेश नमाज कौन है? जाहिरन तलहा ही होंगे, बेशर्त के सैफुल इस्लाम जुबैर नमाज न पढ़ाए।
अब्दुल्ला। आप इमामत करेंगे या तलहा? कोई फर्क नहीं, जो भी पहली नमाज की इमामत करेगा वही खलीफा होगा। नमाज के मुसल्ले पर आप बैठेंगे न कि तलहा। यही मेहराब इमामत आइंदा के खलीफा की निशानदेही। लोगों को खलीफा चाहिए ताकि उसकी इक्तदा करें। ठहरो, ठहर जाओ। इख्तलाफ की जरूरत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन आयशा का फरमान यह है, न तलहा न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। लो भाई, हम तो चले। कहाँ? कहीं भी जहां ये लोग ना हो। उम्मुल मोमिनीन आयशा के साथ बयात शिकनी कर रहे हो तुम? कैसी बयात? इन सफों में अगर तुम्हें खुदा नजर आ जाए तो मेरा सलाम पहुंचा देना। मोमिनीन तवज्जो करें, खिलाफत जैसे अहम मनसब को दो अफराद के सपुर्द नहीं किया जा सकता, और चूंकि तलहा और जुबैर दोनों बिलहक वल इंसाफ इस मनसब के हकदार हैं, तो हक यह है कि दोनों खलीफा के साथ रहें, और आइंदा खलीफा वो होगा जो खलीफे मजलूम के खून का इंतकाम ले सके। हाइयो, पिसरे अबू सुफियान ने अली की बयत से इनकार कर दिया है। उम्मत मुस्लिमा की मसलिहत की खातिर जहां तक हो सकता था अबुल हसन ने उसका लिहाज किया, लेकिन अफसोस के बनी उमैया उन खूनों के बदले का मुतालिबा कर रहे हैं जो अय्याम जाहिलियत में खुद उनकी जहालत की वजह से बहा। अरबों का मकसद था कि कुरान के साए में बराबरी और बरादरी का मुआशरा कायम हो, लेकिन अफसोस की बात है कि इस मकसद तक रसाई की राह इससे कहीं तूलानी तर हो गई है। लेकिन ना तो हमें और ना ही कुरान और पैगंबर पर ईमान रखने वालों को मायूस होना चाहिए। आखिरत की जन्नत का रास्ता दुनिया की जहन्नम से गुजरता है। मैं उस फर्जंदे अरब गुनाहगार माविया की वजह से उन लोगों से शर्मसार हूं जो अपने जिगर के टुकड़ों को तलवारों के हवाले करेंगे, और उन माओं से शर्मिंदा हूं जिनकी आंखें हमेशा के लिए अपने बेटों की इंतजार में दरवाजों पर लगी रहेंगी। शर्मिंदा हूं उन नकल के बागात से जो खुश्क हो जाएंगे और समर न दे पाएंगे। ये हमारे दिल की आवाज है और हमारे मौला अली का दर्द दिल। जो भी अली की विलायत से दिल लगा चुका है वो खड़ा हो जाए। अबा यजीद को मौला अली का जवाब तलवार है। और वो गिरोह जो सुर्ख बाल जमल के हमराह आजिम बसरा हैं, ये जमात मुकाम रिसालत से इत्तेसाल रखती है, जिनमें सहाबी रसूल और पैगंबर के घर वाले हैं। काश वो हकीकत को कबूल करें। अली की दिली ख्वाहिश उनकी तौबा है। इंशाअल्लाह वो तौबा करें। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मदीने के लश्कर की सरबराही
मालिक अश्तरे नकई करेंगे। मैं मदीने का रहने वाला नहीं, वहां किसी को नहीं जानता। जरूर कोई ना कोई मसलहत होगी मालिक। इब्ने अबाबक, कूफा जाकर लोगों को जहाद की दावत दो। सवालिया निगाहों से देख रहे हो मालिक। मैं तुमसे ज्यादा कूफे के माहौल से वाकिफ हूँ, कूफियों के मिजाज से बेहतर वाकिफ हूँ। अशअरी बेहतर मेरे काबू में आ सकता है। काश इमाम ने मुझे कूफा भेजा होता। ये अली की सुन्नत है मालिक। वो जहां तक मुमकिन होता है कौम कबीले की सरदारी से गुरेज करते हैं। वो हम और तुम जैसे बहादुरों के मोहताज नहीं हैं। अली के लश्कर में सबको इश्क खुदा के साथ तलवार चलाना होगी। कहीं खाली हाथ न लौटा दिए जाओ। ये कदम इताअत अली में उठे मेरे लिए यही काफी है। मैं तो इताअत अली में खुश हूँ, खाली हाथ या भरे हाथ की मुझे फिक्र नहीं है। मुझसे बहुत आगे हो सरदार। इमाम की मोहब्बत में तुम मुझे भी अपना रकीब समझना। रकाब में होना चाहिए था, शायद उम्मुल मोमिनीन का कासिद हो। एक अफसानवी जवान दिलावर जो एक अफसानवी बहन का भाई भी है। जवान मशहूर भी है और खूबसूरत। अगर अली की उम्मुल मोमिनीन से जंग हुई तो ये गैरतमंद जवान जो अली की गोद में पला बड़ा है क्या करेगा? बाप पर तलवार उठाएगा या बहन पर? ना सुन रहा हूं ना ही जवाब दूंगा। बाप
بندہ خدا کس سے فرار کر رہے ہو؟ شیطان سے، تجھ سے۔ کیوں اپنے پرورش کردہ شیطان کو مار نہیں ڈالتے؟ خدا کے غضب کا کیا کروں؟ الٹی سیدھی باتیں نہ کر، جا کچھ دیر بیٹھ کے ذکر کر۔ اگر ذکر سے ہی کام بننے والے ہوتے تو ام المومنین مکے میں ہی رہتی اور خاتلین خلیفہ کی موت خدا سے چاہتی۔ وہ پہلی عورت تھی جس نے خلیفہ سے منہ موڑا، اب اس میں کون سی چیز پوشیدہ ہے یہ خدا ہی جانے۔ آپ ام المومنین کے ساتھ ہیں یا علی کے؟ کسی کے نہیں۔ ساری عمر سجدے کی اور کہیں نہ پہنچے؟ دین کی جنگ دین کے ساتھ ہے۔ اشعری کی نصیحتوں نے آپ پر اثر کر دیا ہے۔ محمد ایک دین کے پیغمبر تھے یا دو دین کے؟ تم کس کی طرف ہو؟ اگر ام المومنین کی سوکن ہوتی تو علی کا دفاع کرتی۔ تم اب سے مسجد نہیں جاؤ گی بابا؟ کہو ابا ختام۔